अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नाम। आज हम क्लास 6 का यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.A की प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2A जो है बहुत आसान सी और बेसिक एक्सरसाइज है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन, अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। नेचुरल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से वो आगे तक कंटिन्यू रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जिसके दरमियान में किसी भी किस्म का गैप नहीं होता। अब हमें सवाल में क्या पूछ रहे हैं, लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 10, के हमें एक लिस्ट बनानी है कि 10 से लेस, लेस का मतलब होता है कम, 10 से कम जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उसकी हमें एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट किस तरह से बनानी है, हमने यहाँ पर डेमो के तौर पर बनाई हुई भी है बुक में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर लाकर हमने क्या करा, ये जो आपके पास मौजूद है यहाँ पर 9 पर लाकर हमने क्या करा है, इस चीज को स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट थी कि हमें 10 से लेस देन नंबर बताने हैं, और कौन से नंबर बताने हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिसके दरमियान में गैप नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है लिस्ट ऑल द होल नंबर लेस देन 10। अब नेचुरल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनके दरमियान में गैप नहीं होता, होल नंबर के अंदर भी उनके आपस में नंबर्स के दरमियान में गैप या स्किप नहीं हो रहे होते नंबर। गैप तो खैर होता है, स्किप नहीं हो रहे होते नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 से छोटे जो भी होल नंबर्स हैं उसकी आपको लिस्ट बनानी है। तो बेसिक डिफरेंस हमने क्या करा हुआ है कि 0 से स्टार्ट करा है और 9 तक इसको लेकर चले गए। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं विच इज द स्मॉलेस्ट, यानी कि हमें सबसे छोटा नंबर लिखना है। किसका लिखना है, हमें दो कैटेगरी दी हुई है। पहली वाली है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1। सेकंड लिखा हुआ है कि होल नंबर, होल नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 0। तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, काफी इजी है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर लिखा हुआ है These numbers of the numbers line given below। ठीक है, अब कह रहे हैं ये जो हमने नंबर दिए हैं 54, 59 और 65, ये नीचे वाली लाइन में कहाँ पर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, आपको ये 50 नजर आ रहा होगा, इसके आगे एक लाइन दी हुई, इसका मतलब क्या है, 50, 51, 52, 53, ये जो लाइन है ये 1-1 कर आपको काउंट करनी है और बताना है कि ये 54 कौन सी लाइन के नीचे आ रहा है। इसी तरह से आगे कंटिन्यू करना है, आपको बताना है कि 59 कौन सी लाइन के नीचे आ रहा है। फिर थर्ड नंबर दिया हुआ है 65, तो फिर उसके बाद आपको 65 बताना है कि वो कौन से नंबर के या कौन सी लाइन के नीचे आ रहा है। ये आप बेसिकली सिंपल 1-1 करके काउंट करेंगे तो एक लाइन जो है वो एज अ 1 नंबर कंसिडर कर रहे हैं हम। जैसे कि आपको फिर से बता दूं, मैं 50 है, 51 एक लाइन को हमने 1 नंबर कंसिडर करा, 52, 53, 54। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हमें दिया हुआ है व्हाट नंबर डज दिस अल्फाबेट स्टैंड फॉर। जो अल्फाबेट हमें दिए हुए हैं, इस अल्फाबेट का मतलब कौन से के नीचे कौन सा नंबर आना चाहिए। तो हमने देखा कि ये जो वन लाइन है वो 0 है। इस सवाल में भी हमें आगे लाइन दी हुई है, एक लाइन का मतलब क्या है, एक नंबर। 0 के बाद नेक्स्ट लाइन के नीचे आ जाएगा 1, 1 की नेक्स्ट लाइन के नीचे आ जाएगा 2, और फिर ए के नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह से आगे काउंट करेंगे, बी के नीचे जो नंबर आ रहा होगा वो हमें लिखना है, और इसी तरह से इसका बी पार्ट भी करना है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक की हमें प्रैक्टिस करनी है। इसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपको वीडियो में भी मिल जाएंगे, हम इसकी एक कॉपी में से भी इतना से जो सीक्वेंस होती है कि सवाल को कॉपी के अंदर सॉल्व किस तरह से करना है वो भी हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।